कमिश्नर मुकेश मिश्राम ने बचत भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों कार्य से संबंधित बीज उर्वरक खरीदने और फसल बेचने के लिए बेरोक टोक आ जा सकता है। किराना व्यापारी ई पास लेकर स्टॉकिस्ट होलसेलर से सामान ले सकता है। डॉक्टर अपने पास से आ जा सकता है। घर जनपद उपचार के लिए अंतर जनपदीय ई पास और प्रदेश के दूसरे प्रदेश जाने के लिए मैनुअल पास जारी होंगे। कोटा में कोचिंग कर रहे 67 छात्रों को सरकार वापस लाई। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनको होम क्वारंटाइन किया गया। बाहर से आए मजदूरों को आश्रय स्थल में रखने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किए गए। मजदूरों को जीवन यापन किट दी गई, जिसमें आटा चावल दाल सब्जी तेल आदि सामान है। दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने का सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। 7 बसों से 119 मजदूर आए। 15,000 मजदूरों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार मजदूरों को 40 रुपए की दर से भोजन उपलब्ध करवा रही है। जिले में 102 क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए। आयुर्वेद के डॉक्टर क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं काढ़ा। मनरेगा के मजदूरों को भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दिहाड़ी मजदूरों के खाते में भी भेजे जाएंगे। 1,000 रुपए के साथ राशन भी दिया जाएगा। घटतौली ओवर रेटिंग करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। मंडी में CCTV लगवा कर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाएगा। L2 फैसिलिटी नहीं है। जिले में L1 फैसिलिटी वाले 50 बेड को CSC रोहनिया, 70 बेड वाला बटोही और 200 बेड का रेयान स्कूल को L1 अटैच अस्पताल बनाए गए हैं। सभी CSC में भी व्यवस्था की गई है। DM के नेतृत्व में प्रोक्योरमेंट टीम बनाई गई है, जो खरीदारी की निगरानी कर रही है। मेडिकल टीम को धन्यवाद किट भेजेगा जिला प्रशासन। राशन कार्ड बनवाने का काम तेज किया जा रहा है, जिसमें सभी के कार्ड बनवाए जाएंगे। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। अति व्यापकता के साथ में पूरे विश्व में संक्रमण का लंबा चक्र फैला है और अमूमन अधिकांश और हमेशा व्याप्त रहते हैं। कुछ नई चीज हो रही है, क्या हो रही है, कब तक चलेगा, कैसे होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। और फिर हमारे लिए व्यवस्था क्या हो रही है, क्योंकि